नीलाचल नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः प्रिय शिक्षार्थियों एन आई ओ एस के स्टूडियो में आप सबका पुनः स्वागत अभिनंदन है मैं डॉक्टर चंदन कुमार मिश्र सहायक आचार्य वेद विभाग श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय पूरी उड़ीसा से आप सबके मध्य पुनः आज उच्चतर माध्यमिक कक्षा के वेदाध्ययनम पाठ्यक्रमांतर्गत पच्चीसवें पाठ जो पृथ्वी सूक्तम है उसके भाग दो के अध्ययन के लिए उपस्थित हूँ यह पृथ्वी सूक्त है इस इस पाठ में पृथ्वी सूक्त के सात से बारह मंत्रों तक का अध्ययन आप करेंगे प्रथम सप्तम मंत्र है इस द्वितीय भाग का प्रथम के रूप में सप्तम मंत्र है पृथ्वी सूक्त का या स्वप्ना विश्वदानी देवा भूमि पृथ्वी प्रमाद सानो मधु दुहा दुहा मथो उक्षतु वर्चसा मैं पुनरेक बार मंत्र का पाठ करता हूँ रक्षवदानी देवाभूमि पृथ्वीम प्रमाद सानो मधु दुहा मथो उक्षतु वर्चसा यह मूल संहिता पाठ हुआ इसके बाद पद पाठ का क्रम आता है याम रक्षन्ति अस्वप्ना विश्वदानीम दावा भूमि पृथ्वीम अप्रमादम सा नह मधु प्रियम दुहाम अथो इति अथो उक्षतु वर्चसा यह पदपाठ संपन्न हुआ इसका सरलार्थ इस प्रकार है मंत्र में कहा गया है निद्रा विहीना देवा प्रमादिता सृता पृथ्वी रक्ष पृथ्वी मधु क्षरस्तु किंच तेज प्रसारयतु अर्थात निद्रा से विहीन देव जो सर्वदा जागृत अवस्था में रहते हैं ऐसे देवगणों के द्वारा ऐसे देवगण प्रमाद रहित होते हुए आलस्य से इतर होते हुए जिस पृथ्वी को जिस विस्तृत पृथ्वी को जिस अत्यंत प्रसरित पृथ्वी को रक्षा करते हैं पृथ्वी की रक्षा करते हैं जो पृथ्वी प्रमाद रहित निद्राविहीन देवों के द्वारा जो विस्तारित हुई पृथ्वी रक्षित होती है संरक्षित होती है वही पृथ्वी मधु क्षरण करते हुए हमें हमारे लिए मधु प्रदान करें मधुविंदा होवें और तेज का प्रदान हमें करें संपूर्ण वसुधा में मानवों के लिए तेजक प्रसारण करें ऐसी प्रार्थना इस मंत्र के द्वारा ऋषि करता है अग्रिम मंत्र है यारण वेधि सलिलग्र याम या माया भीरन्व यसृद परोमत्सत्यवृतम पृथिव्याो भूमस्त शिबल राष्ट्रे दातूत्तमे पुनरेक बार मैं इस मंत्र का पाठ करता हूँ या नवेधि सलिलमग्र आसीद मायारन्वरन्मनीषिण यृदेश्योम सत्येनावृतमृत पृथिव्या सानो नो भूमिस्तृषि बलम राष्ट्रे मूल मंत्र हुआ इसका पदपाठ इस प्रकार है अधि यहाँवे अग्रे आस माया अचर मनीषिणा युद्व परमे विओमन सत्यन आवतम अमृतम पृथिव्या भूमि त्षि बल राष्ट्रे दधा उतमे यह पदपाठ हुआ इस मंत्र का भावार्थ विचार किया गया है भावार्थ ऐसा है या पृथ्वी आद मध्ये स्थिता आसी मनीषिण या बुद्धिया यृथिव्या अमृतहृदृत सा पृथ्वी अस्मा उत्तम राष्ट्रे प्रस्थावयतु अथवा साूमि अस्मभ्यम उत्तम राष्ट्रार्थम तेज शक्ति प्रयच्छतु मूलतः का पृथ्वी को कहा जाता है पृथ्वी के विषय में जो पृथ्वी सृष्टि के आदि में समुद्र के मध्य में स्थित रही अर्थात समुद्र जब सृष्टि के अंत में प्रलय होता तो संपूर्ण भूभाग जलमग्न हो जाता उसी विवरण को यहाँ ऋषि मंत्र के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं जो भूमि जो पृथ्वी सृष्टि के प्राग समुद्र के मध्य में स्थित थी समुद्र में विलीन थी और विद्वान लोग ऋषि महर्षि लोग जिसको अपनी बुद्धि के द्वारा प्राप्त करते हैं वैसी जिस पृथ्वी के का हृदय अमृतमय है जो सत्य के द्वारा आवृत है वह पृथ्वी हम सभी को उत्तम राष्ट्र में उपस्थापित करें अथवा वह भूमि हमारे लिए उत्तम राष्ट्र के लिए हम सभी के राष्ट्र को उत्तम होने के लिए अत्यंत हम सभी को तेज और शक्ति प्रदान करें अर्थात मूल तात्पर्य यह है कि ऋषि इस मंत्र के द्वारा उत्तम राष्ट्र की कल्पना स्वयं के लिए समस्त मानवों के लिए भगवती वसुधा से करती है उत्तम राष्ट्र का तात्पर्य किसी प्रकार से लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या घृणा यह सब वसुधा पर न होवे सब प्रेम से सभी प्राणी अनवरत संचाल्यमान होते रहें यह प्रार्थना इस मंत्र के द्वारा ऋषियों ने किया है अग्रिम मंत्र है यिचरा समानी रहो रात्रे अप्रमादम क्षरती रायो दुहा मथो उ वर्चसा मैं पुनः एक बार इस मंत्र का पाठ करता हूँ अप्रमादम रात्री नो भूमि भूरीधारा दुहा मथो उक्षतु वर्चसा यह संता पाठ हुआ इसका पद पाठ इस प्रकार है यस्याम परिचरा आपा अहोरात्रे इति अहोरात्रेहरात्रे अद क्षरती सा न भूमि भूरिधारा पय दुहाम अथो इत्यथो उक्षतु वर्चसा यहाँ हुआ मंत्र का सरलार्थ इस प्रकार है यस्याम पृथिव्याम चतुर्दिक्षु विचरती जलानि दिवसे रात्र राहित एवं बहुधारा संपन्ना पृथ्वी अस्मभ्यं दुग्धम जलम प्रय्छत अथवा सा भगवती पृथ्वी अस्माकते बहुधारया दुग्धम दोग्धु किंच तेजसा अभींचतु इसमें भी आत्मकल्याण की प्रार्थना ऋषि करते हुए कहता है जिस पृथ्वी के चारों ओर जल दिन और रात्र में बिना किसी व्यवधान के बिना किसी बाधा के प्रवाहित होती हैं नदियों के रूप में समुद्र के रूप में और एवं बहुधारा ऐसी अनेक धाराओं से संपन्न अनेक जलधाराओं से संपन्न वह भगवती वसुधा हम सभी के लिए जल दुग्ध इत्यादि प्रदान करें अथवा वह भगवती हमारे लिए बहुत धाराओं से युक्त दूध को दूहें और हमें तेज से अविंचित करें यह प्रार्थना मंत्र में ऋषि के द्वारा किया गया है अग्रिम मंत्र है या अश्विनाविमाता विष्णुर्यस्याचक्रम इंद्रो यांचक्र आत्मन नमित्राम शचीपति सा नो भूमिर्विसृजता माता पुत्रा में पया मैं पुनर एक बार इस मंत्र का पाठ करता हूँ याश्वि वमिमाता विष्णुर्यस विचक्रमे इंद्रो यांचक्र आत्मे नित्रा शचीपति नो भूमिर्वसृता माता इस पय का संविता पाठ संपन्न हुआ इसके पश्चात पदपाठ कहता हूँ याम अश्विनौ माता विष्णु यस्याम विचक्रमे इंद्र याम चक्रे आत्मने मित्र शचीपति पद पाठ संपन्न हुआ इसके पश्चात इस मंत्र का सरलार्थ हम पढ़ते हैं यहाँ पृथिव्या अश्विनौ पिमापक्रु यस्याम विष्णु पादनयासंच यां शचीपति इंद्र सशत्रुतवा सब अस्माक पृथ्वी माता असमभ्यम दुग्धम प्रय्छत ऋषि प्रार्थना करते हुए कहता है कि जिस पृथ्वी के परिमाप दोनों अश्विनी कुमारों ने किया अश्विनी कुमारों ने जिस पृथ्वी का परिमापन किया और जिस भूभाग में भगवान विष्णु अपना पादस्थापन किए हैं और शचीपति शची कहते हैं इंद्र की पत्नी का पत्नी का नाम सची है शची से तात्पर्य इंद्र की पत्नी अतएव यहाँ कहा गया याम शची पति ही इंद्र जो इंद्राणी का पति है सची का पति है इंद्र वह जिस पृथ्वी में अपने लिए जिस पृथ्वी को अशत्रु कर दिया अर्थात संपूर्ण पृथ्वी में इंद्र का कोई शत्रु अवशिष्ट न बचा ऐसा भगवती ऐसी वसुधा हमारे लिए पृथ्वी माता जो है वो हमारे लिए सबके लिए आदि प्रदान करें जलादि प्रदान करें तात्पर्य है कि पृथ्वी का परिमाप अश्विनी ने किया दोनों अश्विनी कुमारों ने किया ऐसा इस मंत्र में प्रतिपादन किया गया है और भगवान के पदन्यास का भी चर्चा इस मंत्र में आता है और शचीपति इसी वसुधा में देवासुर संग्राम में समस्त असुरों को जो उनके शत्रु थे उन सभी असुरों को शत्रुओं को इसी वसुधा में संहार किया और ऐसी भगवती वसुधा जो अश्वनियों के द्वारा मापित है जो जिसमें विष्णु ने पादन्यास किया और जो इंद्र के द्वारा अशत्रु शत्रु रहित जो पृथ्वी है वह पृथ्वी माता हम सभी के लिए दुग्धादि जलादि प्रदान करते हुए हमारे जीवन को सफल बनावें ऐसा अर्थ इस मंत्र का प्राप्त होता है अग्रिम मंत्र है गिरजस्ते पर्वता हिमवंतोंण्यंते पृथ्वी स्यो नमस्तु बभ्रम कृष्णाम रोहिणी विश्वपाँ ध्रुआ भूमि पृथिवींद्रगुप्ता अजीतो हतो अक्षतो अक्ष्यष्ठांृथिवीम तो मैं पुनः एक बार इस मंत्र का पाठ करता हूँ गिरजस्ते पर्वता हिमवंतरण्यंते पृथिवी सो नमस्तू बभ्रूँ कृष्णा रोहिणी विश्व ध्रुवां भूमि पृथिवींद्रगुप्ता अजीत हतो अक्षा पृथिवीम यह मूल मंत्र हुआ इसका पाठ इस प्रकार किया जाता है गिरज ते पर्वता हिमवंत अरण्यम ते पृथ्वी स्योनम अस्तु बभ्रूम कृष्णा रोहिणी विश्व ध्रुवाम भूमि पृथिवीं अजीतः अजीता अक्षतः अधि अधिअस्था पृथिवीं अहम् ऐसा पदपाठ किया जाता है अब इस मंत्र का सरलार्थ विचार करते हैं मंत्र में कहा गया हे भगवती वसुधे हे पृथ्वी तव गिर यहा हिमावृता पर्वताश्च कल्याण कारिण आपके मध्य जो आश्रित हिमालय इत्यादि पर्वत हैं वे कल्याण करने वाले हैं और किंच तव वना कल्याणकारकानि का संतु आपके जो वन हैं वन प्रदेश है आपके अंत वह वन प्रदेश भी सबके कल्याण करने के लिए होवे और बभ्रवादी रूप विशिष्टा स्थिरा इंद्रेण रक्षिता सुविस्तृता पृथ्वी अपराजिता अहिंसिता नाशरहिता प्रतिष्ठत अर्थात जो बभ्रवादी रूप विशिष्ट होकर जो स्थिर रहती है और इंद्र के द्वारा जो संरक्षित रहती है ऐसी अन, अत्यंत सुदूर तक प्रसलित पृथ्वी माता जो अपराजिता है जो अहिंसिता है किसी की किसी ने उसका नाश नहीं किया और जो किसी ने उसको पराजित नहीं किया ऐसी नाश रहिता भगवती पृथ्वी भगवती पृथ्वी हमारे सबके लिए कल्याणकारिणी होते हुए इस भूभाग में निवास करें ऐसी चर्चा इस मंत्र में ऋषि ने किया है अग्रिम मंत्र है यत्ते मध्यम पृथ्वी यभ्यम यास्ते ऊर्जन्व तासुनोदे ता सुनो देह्य विनः पवस्व माता भूमिपुत्रोहम पिता सौ नू एक बार मैं मंत्र का पाठ करता हूँ ये मध्यम पृथिवी यभ्यम याजस्तन्वूवु ता सुन नो देविपवस्व माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या परजन्य पिता सौ न्यपर्तू यह मूल मंत्र का पाठ हुआ इसका पद पाठ इस प्रकार है यत ते मध्यम पृथिवी यभ्यम ते ऊर्ज तन्व तासु तु ने अभि न पयस्व माता भूमि पुत्र अहम पृथिव्या पर्जन्य पिता स उ न पिपरतु ऐसा पदपाठ इस मंत्र का किया जाता है मंत्र का भावार्थ इस प्रकार है मंत्र में कहा गया हे भगवती वसुधे हे पृथ्वी तव यहा मध्यभाग अस्थ नाविक्षेत्र किच यहाँ तव शरीरा उत्पन्न अस्मान क्षारयतु सर्व अस्मा क्षारय अस्मा धारय अस्मा पवित्रीकु अस्ति अहम् अहम पृथिव्या अस् पर्जन्य पिता अस्ति सस्क पान पोषण कौन तो अर्थात हे भगवती पृथ्वी आपका जो मध्य भाग है जो आपका क्षेत्र है और जो आपके शरीर से उत्पन्न रस इत्यादि हैं उन सभी रसों से युक्त इस भगवती इस संपदा को आप धारण करें और वे उन सभी रसों को हम सभी को धारण कराएं और उन सभी रसों से हमें पवित्र करें हे भगवती हमें आप अपने अंत में उत्पन्न रस संपदाओं से अभिषिक्त करें और आप मेरी माता हैं कहा गया भूमि माता अस्थि भूमि भगवती पृथ्वी हम सबों की मातृस्वरूपाँ हैं और हम सब उस भगवती पृथ्वी के पुत्र स्वरूप में हैं और पर्जन्य हमारा पिता है वह हमारे लिए हम सभी का पालन पोषण करता रहे भगवती पृथ्वी और पर्जन्य को मात्र पुत्र के रूप में इस मंत्र में स्तुत किया गया है पुनः हाँ इस भाग के लिए इतना ही आप सबको पुनः पुनः हाँ धन्यवाद